हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका क्लीशे नहीं है कुछ, जो हमने पहले देखा है लड़ाइयाँ पिक्चरों में देखते हैं वैसे वाला कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। कंगना रनौत की एक्टिंग मैं जज नहीं कर सकती, शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस और हमारी इंडियन इंडस्ट्री में पहली एक्ट्रेस है जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि उनको किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, वो हीरो ही है हमारे। डायरेक्शन के लिए मैं 4 स्टार दूंगी, एक्टिंग वाइज तो मैं 10 स्टार भी दे सकती हूँ। आई थिंक मस्ट वॉच, एवरी इंडियन शुड गो एंड वॉच, सबको देखना चाहिए इसको, ब्लॉकबस्टर बनाओ यार। अगर बाहुबली जैसी, बाहुबली से आई थिंक उसकी पूरी टक्कर की मूवी है। आप VFX से लेके फाइट सीक्वेंस जितनी भी चीज़ें देखोगे, इट्स अमेजिंग। सब लोग पूछ रहे कि स्टोरी कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, वो एक आपका ना आपको दिखाता कि आप किस हिंदुस्तान में रहते थे। अच्छा। और वो चीज़ हम भूल गए, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर बाहुबली को किसी मूवी ने कम्पीट किया तो वो ये है। उसमें एक गाना है कि भारत रहना चाहिए, तो कितना शानदार गाना कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी वो गाना चलता है, और गाना कई बार उसमें चलता है, और जितनी बार वो गाना चलता है उससे बेहतर कोई सीन होता ही नहीं उसके बाद। बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस फिल्म में पूरी की पूरी फिल्म जो है वो हिस्टोरिकल बेस है, हिस्टोरिकल बेस है तो उसमें जो होना चाहिए जैसा इम्पैक्ट होना चाहिए वो तो है ना, तो वो उसमें अच्छी, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और इसके जो सपोर्टिंग कास्ट हैं दे आर वेरी नाइस। कंगना रनौत वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी, मतलब उसमें एकदम ओरिजिनलिटी जो झलकती है ना कि एक लड़की कैसे, मतलब अननेसेसरी का वो नहीं है, मतलब दिखावा नहीं है, मतलब जो है होता है ना जैसे लड़कियां होती है, उसके बाद वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें है। मणिकर्णिका ना ऑसम मूवी है और मैं सजेस्ट करूंगा सभी से कि ये मूवी देखें, क्योंकि इसमें जो माइथुन को जो हिस्टोरिकल जो मूवी बनाई है, कर्णिका ने तो बहुत तरह की मूवी की है, फैशन की है जो भी, सॉरी फैशन जो भी की है फैशन, तो उस मूवी में काफ़ी अच्छा उनने किया था, लेकिन ये अलग टाइप की मूवी है और उनका जो भी एक्टिंग है ऑसम है, उन पर वो इस मूवी शूट भी करती है। डायरेक्शन मैं मानता हूँ कि उनका ये सबसे बेस्ट मूवी होगा मेरे हिसाब से, उनका जो भी पहले का जो मूवी था उससे उनका उन्होंने बेस्ट किया, और इतना बड़ा मूवी को बनाना, इतने बड़ी मूवी को बनाना, उसके बाद वार सीक्वेंस ने एक नहीं 3-4 वार सीक्वेंस ने दिखाया है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया है। जैसे पद्मावत में आप देखे होगे कि वार सीक्वेंस जो है सो बहुत मतलब कम दिखाया गया, पूरा एक साथ एक दो को लड़ा था, लेकिन पूरे एक साथ क्राउड को जो भी फाइट करा वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक गाना जो बैकग्राउंड में बार बार बजे, मैं रहूँ या ना रहूँ ये भारतवर्ष रहना चाहिए, ये गाना काफ़ी अच्छा लगा और दिल को छू गया। वो आउट ऑफ 5 4.5।